पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाओ। बहुत सारे लोग पहले ही लड़खड़ा जाते हैं, प्रयास करने से हट जाते हैं पीछे। क्या होगा उससे? अफसोस होगा कि काश कर लेते, और वो कब होगा? बाद में। अरे यार, हम कर ही लेते। इसीलिए पहला पॉइंट गांठ मार लीजिए आज। ग्रह मंडल यही कहता है, नेचर यही कहती है, बुरा वक्त रुलाता जरूर है मगर बहुत कुछ सिखा कर चले जाता है। ये शनि कहते हैं और ये राहु भी कहते हैं। इसलिए आज की वीडियो इन दोनों ग्रहों को समर्पित है और विशेष राशि को समर्पित है। थंबनेल आपने पढ़ लिया है, पूरा होगा दूसरा संकल्प। किसका होगा? राहु शनि का। आखिर क्या संकल्प ले लिया इन्होंने ऐसा? आखिर किस राशि के ऊपर अब इनकी नज़र पड़ के रही है? ये कैसी नज़र जा रही है? क्या अच्छी है या बुरी है, या अब कोई और फिर से कोई नया कुछ बवाल खड़ा होने वाला है? इस बात से पर्दा उठाऊंगा, पर जो शुरू में दो बातें बोली हैं उसका ध्यान रखना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप किसी के फैन हैं। जो व्यक्ति किसी का फैन होता है उसका कभी कोई फैन नहीं होता। स्वयं को इस काबिल बना लीजिए कि दुनिया आपकी फैन हो जाए। स्वयं को इतना परिपक्व बना लीजिए कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आप ऐसे मजबूती के साथ खड़े रहें। तपस्या से फल मिलता है। आज हम YouTube पर हैं, मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, डेली वीडियो लेकर के बनाते हैं, डेली इतनी वीडियो डालते हैं। मुझे लगता है शायद इतनी वीडियो डालने वाले बहुत लिमिटेड एस्ट्रोलॉजर होंगे YouTube की हिस्ट्री में। अभी 3 दिन पहले मैंने एक दिन में 5 वीडियो डाली थी अपने YouTube चैनल पर। मुझे लगता है ये एक रिकॉर्ड बना होगा। और ये कोई ऐसे ही नहीं बन जाती हैं कि हवाई बातें कर ली और बन गया। तप लगता है, तपस्या लगती है। हमारी पुरानी वीडियो और आज की वीडियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जो हम मेहनत करते थे उस मेहनत में और अब की मेहनत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि जब आप अपना स्नेह देते हैं हमें, तो हमें ताकत मिलती है और ज़्यादा मेहनत करने की। कई बार नहीं होता समय, अभाव होता है, व्यस्तता रहती है, पर दिमाग में ये रहता है कि आप वेट कर रहे होंगे, आपके लिए वीडियो लेकर के आनी है। चाहे रात में 12 बजे समय मिले, रात में 2 बजे समय में वीडियो बनाने का, तो 2 बजे कैमरा लेके बैठ जाते हैं कि वीडियो बनानी है। हमारे दर्शकों का इतना स्नेह हमें जो मिला हुआ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमारी वीडियो को वायरल करने की और लोगों तक पहुंचाने की। राहु शनि किस संकल्प की ओर इशारा कर रहे हैं ये मैं अब आपको बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि शनि की छाया है राहु ग्रह। मैं चलता हूँ साथ साथ मेरी छाया चलती है। ये छाया अच्छी भी हो सकती है और ये छाया बुरी भी हो सकती है, ये नज़रिया है। राहु का नेचर है, एक गुप्त भेदी प्लेनेट है ये। ये गुप्त तरीके से काम कराता है और ये भेदी प्लेनेट एक अच्छा रिसर्चर है। फोटोग्राफी, यंत्र तंत्र के काम, अच्छा रिसर्चर, अच्छा वैज्ञानिक, कल पुर्जों का काम कराता है। और शनि तो फिर है ही, शनि की तो फिर महिमा ही न्यारी है। जिन्होंने सूर्य को हिला करके रख दिया, जिस शनि ने रावण को हिला करके रख दिया, फिर इस शनि के प्रभाव को की व्याख्या, उसका क्या महिमा मंडल करना। विषय की बात करते हैं, स्वागत व अभिनंदन करता हूँ आप सभी हमारे प्यारे दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शनि भी वक्रचाल में है, राहु भी वक्रचाल में है। इन दोनों का वक्री होना ही इनका दूसरे संकल्प की ओर इनको लेकर के जा रहा है, और वो संकल्प है कुछ विशेष राशियों के लिए। 4 राशि भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। और शनि महाराज का एक केंद्रीय प्रभाव मकर राशि में रह करके राहु के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि शनि ने अपनी ही छाया के ऊपर अपना प्रभाव बनाया हुआ, पकड़ बनाई हुई है, ग्रिप में लिया हुआ है। तो क्या राहु आउट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। राहु कहेगा ठीक है महाराज, मैं आपकी दृष्टि में हूं, आपके केंद्रीय प्रभाव में हूं, तो मैं आपको फल दूंगा, बताइए क्या आदेश है। तो अब सुनिए क्या आदेश है, अब सुनिए कि आपके लिए क्या शुभ फल आगामी दिनों में आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे घटनाएं घटित होंगी। अब ये सुन लीजिए, कागज कलम ले लीजिए और नोट कर लीजिए। सबसे पहले जिस राशि के बारे में मेरे को चर्चा करने की सबसे ज़्यादा उत्सुकता हो रही है, और उस राशि का नाम रहेगा कन्या।
आखिर कन्या कन्या क्यों? इसीलिए कि राहु अष्टम भाव में बैठे हैं, इस भाव में बैठ करके आपको रिसर्च में निपुण बना देते हैं, इस भाव में बैठ करके एक अच्छा साम्राज्य योग बना देते हैं, इस भाव में बैठ करके राहु ग्रह अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए अच्छी ताकत के साथ फल दे पाते हैं। और शनि देव का मार्गी फल 23 अक्टूबर से जुड़ जाएगा, और 23 अक्टूबर से पहले भी अच्छा फल है और 23 अक्टूबर के बाद भी अच्छा फल है। और एक बात है जिससे मैंने अभी तक पर्दा नहीं उठाया, उस बात को सुन लीजिए। शनि महाराज की दसवीं दृष्टि पैसे पर जा रही है, जी हां, तुला राशि पर, धन के घर पर। और राहु की भी जो सप्तम दृष्टि है वो पैसे पे जा रही है, धन के घर पे जा रही है। ये है इनका दूसरा संकल्प शनि राहु का, कि ये दोनों मिलकर के आपको पैसा देना चाहते हैं, ये दोनों मिलकर के आपके धन के भंडार बनना चाहते हैं। ऐसा एक गोचरीय प्रभाव आपके लिए कन्या राशि के दर्शक को बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें बहुत बड़ा फल आपको मिलेगा। इसलिए ये है दिन में तारे दिखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा होता है परंतु हमारे को पैसे की कमी नहीं हो रही होती है। अब तो आप लोगों के विचार सुन सुन करके मैं खुद इतना, मेरे पास विचारों का संग्रह हो चुका है कि हम व्यक्ति को देख के बता देते हैं कि इसकी ये समस्या होगी या इस समस्या को लेकर के ये जातक आया है हमारे पास में। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी आप भी सुन लो, आपके लिए जो संकल्प पूरा होगा वो हो रहा है शनि और राहु का, विशेष लाभ के दृष्टिकोण से। नाम दिखा देता हूं डिस्प्ले में, पहले धनु। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार शनि महाराज पैसे पर बैठे हैं और राहु त्रिकोण में बैठे हैं, और त्रिकोण में बैठे हुए राहु अपना प्रभाव भाग्य पर डाल रहे हैं और लाभ स्थान पर डाल रहे हैं, और शनि महाराज भी लाभ स्थान पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन में धनु राशि के जातकों बनेगा, ये 100% है, कन्फर्म है। यहां ये जो दूसरा संकल्प है शनि राहु का धनु राशि के दर्शकों के लिए, वो है विदेश का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, मांगलिक कार्यक्रमों का, ऐश्वर्य सुख संपत्ति का, मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति हेतु आपकी जो कुंडली की स्थिति है वो दिखाई पड़ती है। इसलिए धनु राशि एक पॉजिटिव सिनेरियो में बन रही है। सारे धनुष टूट जाएंगे, सारी सीमाएं लांघ देंगे ये शनि और राहु मिलकर के, ऐसा फल अब आपके लिए मिलने जा रहा है। और ये सिर्फ अभी नहीं है, आगामी समय का भी मैं गोचर देख रहा हूँ, आगे आने वाले 1-2 साल का भी देख रहा हूँ, तो उसमें भी ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए परिस्थितियाँ पॉजिटिव हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसके लिए शुभ फल की ओर ग्रह गोचर इशारा कर रहा है, उस राशि का नाम रहेगा तुला। तुला राशि के दर्शकों के लिए जो संकल्प लिया है शनि और राहु ने, वो लिया है विशेष रूप से रिसर्चर्स के लिए, इंजीनियरिंग से क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, ये संकल्प है इनका। और शनि राहु से संबंधित जो कार्य करते हैं उनके लिए, और ऐसे लोग जो खुराफाती दिमाग के हैं, जो लोग तिगड़मबाजी से पैसा कमाते हैं, ऐसे सब जातकों के लिए शनि और राहु ने दूसरा संकल्प लिया है कि इन सब को हम अच्छा लाभ देंगे। जी हाँ, इसलिए आपको जबरदस्त बेनिफिट जो विशेष रूप से मिलेगा वो सम्मान के दृष्टिकोण से मिलेगा, उन्नति के दृष्टिकोण से मिलेगा, और ये दोनों मिलकर के आपके वारे न्यारे करेंगे, ये कन्फर्म है, 100% है। इसलिए आपकी राशि भी प्लस पॉइंट में है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, राशि का नाम रहेगा यहाँ पर मीन। जितने भी मीन के जातक एट प्रेजेंट मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए बेनिफिट हो रहा है फाइनेंशियल गेन का, आपके लिए बेनिफिट होगा लाभ का, और आपके लिए बेनिफिट होगा सुख सुविधाओं में इजाफा करने वाला। ये है शनि राहु का संकल्प मीन राशि के सभी जातकों के लिए, और आगामी वर्ष से
तो ये जबरदस्त पैसा देना आपको प्रारंभ कर देंगे। दोनों के दोनों ग्रह मिलकर के धन धान्य की नहीं होने देंगे कोई भी कमी। ऐसा मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कह देना चाहता हूँ। बस अब आप मेहनत कर लीजिए, और मेहनत करने से, तप करने से तो स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ता है। जब ऋषि मुनि कई कई वर्षों तक तपस्या करते हैं तो स्वयं आकर के भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा जी आकर के आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी मेहनत और तपस्या के सामने झुक जाते हैं। अगर आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प को पूरा भी आपको करना चाहिए, अन्यथा उसका भी दोष आपको लगता है। दोस्तों, ये है आपका फल। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी, ज्योतिष आचार्य मानविंदर रावत जी अब सितंबर के महीने में आपके शहर में रहेंगे। 20 सितंबर पानीपत, 21 सितंबर अम्बाला, 22 सितंबर चंडीगढ़, 24 से 28 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899888 4।